कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, किन सेक्टर और शेयरों पर फोकस कर रहे हैं, सब बातें बताने के लिए हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी हैं। मानसी, बताइए दिग्गज निवेशक का व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? बिल्कुल, दिग्गज निवेशकों के व्यूज़ तो मैं बताऊंगी, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर बताना चाहूंगी। बाज़ार के दिग्गजों का भी यही कहना है कि यहाँ पर साइक्लिकल जो स्पेसेस हैं डोमेस्टिकली, जहाँ ट्रिगर्स मजबूत हैं, उन सेक्टर्स पर ध्यान रखिए, और जहाँ ग्लोबल कनेक्ट्स फिल होते हुए दिख रहे हैं उन सेक्टर्स से दूर रखने की राय है। जैसे कि आईटी स्पेस, आईटी के साथ हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स आईटी सेक्टर ने कल बाजार को संभालने का काम किया था, लेकिन ग्लोबल कंसर्न्स और ग्लोबल जो भी ट्रिगर्स हैं उसका सीधा असर डोमेस्टिक आईटी कंपनीज पर भी पड़ता है। तो एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस तरह के सेक्टर्स से दूर रहना चाहिए। शुरुआत रवि धर्मशी, जो कि वैल्यू क्वेस्ट से हमारे साथ जुड़े, उनसे हमने जब बातचीत की, उनका ये कहना था कि फाइनेंशियल सेक्टर में आगे बहुत अच्छे मौके बनते हुए दिखेंगे, और इसी के चलते फाइनेंशियल स्पेस पर खास तौर से आपको ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही आईटी शेयरों से निवेश से बचने की राय, और साथ ही फार्मा स्पेस, क्योंकि म्यूटेड ट्रेंड इन दिनों फार्मा स्पेस में भी नजर आ रहा है, तो यहां पर अपॉर्चुनिटीज बनने में अभी समय है, तो फार्मा और आईटी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। वही देवेना मेहरा फर्स्ट ग्लोबल से जब हमारे साथ जुड़ी, उनका ये मानना है कि कैपिटल गुड्स स्पेस, टेक्सटाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर है जो कि आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज देंगे। कैपिटल गुड्स के नतीजों की लिस्ट जब आती हुई दिखी, सारे के सारे नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव, और आगे फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त, जिसके चलते स्पेस पर नज़र रखनी है। टेक्सटाइल पर सरकार का लगातार फोकस है, और साथ ही केमिकल सेक्टर भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्शन में नज़र आ रहा है, तो इन तमाम सेक्टर्स पर राय देवीना जी की तरफ से आती हुई दिखी। वहीं अमित शाह बोफा सिक्योरिटीज से जब हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना था कि फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा है। ऑफकोर्स लगातार फाइनेंशियल और बैंकिंग पर दिग्गजों का पॉजिटिव नज़रिया तो हम देख ही रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेटल स्पेस से दूर रहना चाहिए। जैसे कि मैंने समझाया, जहाँ पर ग्लोबल कंसर्न्स हैं और उनका एक कनेक्ट है, जैसे कि आईटी मेटल, उनसे दूर रहने की राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार आ रही हैं। तो क्लियरली डोमेस्टिक ट्रिगर्स काफ़ी मजबूत हैं, भारत की अपनी स्टोरी काफ़ी मजबूत है, और इसी के चलते डोमेस्टिकली जहाँ पर अच्छे लेवल्स हैं, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, उन सेक्टर्स से और उन सेक्टर्स से जुड़े स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। ठीक है मानसी, बहुत शुक्रिया। तो बाजार के जो बड़े दिग्गज हैं, जो बाजार की नब्ज को पकड़ते हैं, उनसे हम जरूर बातचीत करते हैं और समझते हैं कि ट्रेड के लिए तो ठीक है, रोज हम आपके लिए ट्रेडिंग के आइडियाज बताते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर आपको निवेश करना है तो ये राय आपके लिए बहुत ही काम की है।